मुख्यमंत्री कमलनाथ के दिशा निर्देश के अनुसार विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भोपाल में कांग्रेस के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शासकीय भवन, थाना परिसर, अस्पताल, शासकीय कन्या विद्यालय में वृक्षारोपण किया। वहीं शासकीय अस्पताल में नवजात शिशुओं की मां को वृक्ष भेंट कर अनुरोध किया। जिस तरह से शिशु की देखभाल कर शिशु का पालन पोषण कर बड़ा किया जाता है, उसी तरह एक वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल करें। कहते हैं जल ही जीवन है, जरा सोचिए जब जल ही दूषित हो जाता है तो कैसे कोई स्वस्थ जीवन जी सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है बलरामपुर के विकासखंड शंकरगढ़ के गांव देवसरा में, जहां आज भी ग्रामीण पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। यहां एक भी नल नहीं है। आपको ये बता दें, आश्चर्य जरूर लगेगा कि यहाँ के लोग आज भी नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये ग्रामीण पथरीले रास्ते से जान जोखिम में डालकर पानी पी रहे हैं और अपने सिर और कंधे में पानी के बर्तन भरकर लाते हैं। इस मामले में जनपद पंचायत शंकरगढ़ के CEO समुद्र साय ने बताया कि वहां पानी की व्यवस्था की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब प्रशासन इन्हें पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। इसके लिए जैसा कि आप अभी बता रहे हैं, तो उसके अनुसार अभी तक हमारे पास पंचायत की जो समीक्षा बैठक होती है उसमें अभी तक वहाँ पर ऐसा नहीं बताया गया है। फिलहाल अभी जानकारी मिली है तो तत्कालिक, तो अभी जैसा कि यदि हो सकता है तो तत्कालिक अभी हम वहाँ पर ढोड़ी निर्माण करेंगे। लेकिन जैसे बरसात ख़त्म होगी तो या तो वहाँ पर हैंडपम्प की व्यवस्था की जाएगी। अब यदि हैंडपम्प की व्यवस्था नहीं हो पाती है या नहीं खुदाई हो पाता है, पथरीला स्थान होगा, तो वहाँ पर मनरेगा से निस्तारी हेतु कूप निर्माण जो है किया जाएगा। बलरामपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पानी की एक एक बूंद को लोग तरस रहे हैं और काफी दूर जाकर नाले का गंदा पानी भर के लाते हैं और यही दूषित पानी पीने को लोग मजबूर हैं। देश के बाकी हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश में भी बाढ़ और बारिश की विनाश लीला जारी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 20 जिलों में सोमवार को मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी की है। रविवार को शारजाह जिले के खोकरा कला गांव के लोग पानी से घिर गए, जिन्हें राहत और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाला। शाजापुर में बीते 24 घंटों के दौरान हुई भारी बारिश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खोकरा कला गांव में तो घरों में पानी घुस गया है। कई मकानों के निवासी ऊपरी मंजिल पर डेरा डालने को मजबूर हुए। सभी सड़कें जलमग्न हो गई हैं। शाजापुर के जिलाधिकारी वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि तालाब का एक हिस्सा टूट जाने से गांव में पानी भर गया था। लोगों को राहत और बचाव कार्य कर सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिसके लिए NDRF की भी मदद ली गई है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। स्थिति में अब सुधार है। वहीं बीते दो दिनों की बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ाया है। कई स्थानों पर जनजीवन भी प्रभावित हुआ है।